बैक टू माय YouTube चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने आई हूँ, आज मैं जिस प्रोडक्ट के साथ आई हूँ, उसका नाम है गोरी क्रीम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गोरी क्रीम। ये प्रोडक्ट बेसिकली फेमस है कि ये आपको बिल्कुल गोरा बना देगा, बिल्कुल आप गोरे हो जाएंगे इसको लगाकर, ऐसा इस प्रोडक्ट का कहना है। मतलब ऐसा लोग इसीलिए इस प्रोडक्ट को यूज करते कि आप बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, आपका स्किन बिल्कुल गोरा हो जाएगा। स्किन वाइटनिंग के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। तो क्या ये प्रोडक्ट सेफ टू यूज है? इस प्रोडक्ट का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? अगर साइड इफेक्ट है तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और इसको लगाकर क्या प्रिकॉशंस लेना, और क्या ये सारे स्किन टाइप्स के लिए सेफ है? तो अगर आप गोरी क्रीम लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं गोरी क्रीम की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं, बिना इन्फॉर्मेशन लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करे, एक छोटा से छोटा क्रीम भी यूज नहीं करे, ठीक है? उसके बारे में पहले जाने फिर ही यूज करें। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऑनेस्टली आपको सब्सक्राइब करने में एक मिनट भी नहीं लगता है, पर आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बात करते हैं ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा कहां पे। जी हाँ, बहुत बार क्या होता है, हम फेक प्रोडक्ट ले लेते हैं और हमारे स्किन पर उसका गलत असर पड़ता है, ठीक है? तो हमेशा कोशिश करें कि सब जगह से इन्फॉर्मेशन लें और हम सही प्रोडक्ट ही लें, क्योंकि गलत प्रोडक्ट स्किन पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट बहुत इजीली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। जी हाँ, अमेजोन के, यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट वहां आपको मिल जाते हैं और ओरिजिनल मिलते हैं, ठीक है? तो अमेजोन पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है और इसका क्वांटिटी जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है? और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्राइस पे नहीं जाए, ठीक है, प्रोडक्ट के यू नो मटेरियल पे जाए, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, हम उसको क्यों ले, ठीक है? तो प्राइस पे नहीं जाए, कम प्राइस देकर नहीं ले लेना है कि अच्छा कम प्राइस क्या ले लेती हूँ, लगा लेती हूँ, नहीं। आपके चेहरे का सवाल है तो प्लीज प्राइस देखकर नहीं जाए, रिव्यू देखे तभी कोई प्रोडक्ट जाकर ले। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के क्लेम की। जी हाँ, कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं क्योंकि उसके कुछ ना कुछ क्लेम्स होते हैं, ठीक है? ये कहता है कि आपके चेहरे को ऐसा कर देगा, वो कर देगा, जो भी क्लेम्स है। चलिए पहले बात करते हैं प्रोडक्ट दावा क्या करता है। जी हाँ, इसका पहला क्लेम यही है, फेस व्हाइटनिंग क्रीम। ये कह रहा है कि ये फेस व्हाइटनिंग क्रीम है और ये परफेक्ट सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्शन इश्यूज लाइक ब्लैक स्पॉट्स। जिनका चेहरा थोड़ा सा यू नो फेयर उतना नहीं है, जिनका चेहरा थोड़ा डार्क है, तो ये प्रोडक्ट कह रहा है कि आपके चेहरे को बिल्कुल फेयर बना देगा, बिल्कुल यू नो बहुत ज्यादा गोरा बना देगा। तो मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि जो गोरे हैं सिर्फ वही सुंदर है, ठीक है? आपका स्किन का टेक्सचर क्लियर होना चाहिए, आपके स्किन अच्छी होनी चाहिए, कलर उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है? आपके स्किन क्लियर होनी चाहिए, हर रंग में इंसान सुंदर है, ठीक है? पर ये प्रोडक्ट का कहना है कि आपके यू नो चेहरे को एकदम बिल्कुल गोरा बना देगा, बिल्कुल सफेद बना देगा, ऐसा इस प्रोडक्ट का वन ऑफ द क्लेम्स। और ये क्लेम करता है कि आपके अदर एक्ने प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी आपके प्रोमिनेंट पिंपल्स हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी ठीक करेगा। गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। जी हाँ, इसका ऐसा कहना है कि ये सारे स्किन टाइप्स के लिए गुड है। जी, आपका जिस भी टाइप का स्किन है, ये सारे स्किन टाइप्स के लिए गुड है, ऐसा इसका कहना है। तो कोई भी स्किन टाइप आपका है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा इस प्रोडक्ट का दावा है। आइडियल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। जी हाँ, ये ऐसा कह रहा है, ये बोथ लड़के और लड़कियां दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई जेंडर बायसनेस नहीं है इसमें। जी हाँ, लड़के लड़कियां दोनों ही इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा इस प्रोडक्ट का दावा है। अब बात करते हैं हाउ टू यूज। जी हाँ, बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। वो प्रोडक्ट मंगा लेते हैं पर उन्हें पता नहीं होता है कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, ठीक है? तो इसका हाउ टू यूज बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आप गलत यूज करेंगे तो गलत यूज से आपके चेहरे पर इसका गलत असर पड़ सकता है, और जो कि आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है? तो हाउ टू यूज इसका उतना भी टफ नहीं है, काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है? आपको इसको नाइट में लगाना है। जी हाँ, आपको इसको रात में लगाना है। ऐसा स्क्रीन में मेंशन नहीं है, पर मैं एज अ सेफ साइड आपको प्रिफर करूंगी कि आप इसको लगाकर धूप में नहीं जाए। प्लीज जब बहुत ही ज्यादा अर्जेंट कोई काम आ गया है तभी धूप में जाए, वरना जब आप स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही रात में इस्तेमाल कर रहे हैं, पर प्लीज धूप में नहीं जाए, क्योंकि हो सकता है कोई साइड इफेक्ट हो जाए, ठीक है? रिस्क क्यों लेना, ठीक है? और जब आप इसको रात में लगाएंगे ना, तो हो सकता है आपका स्किन, हो नहीं सकता, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका स्किन थोड़ा ड्राई लगे, ठीक है? तो जब आपका स्किन ड्राई लगे ना, तो इसको लगाने के बाद आपको एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, और आपको इस क्रीम को इतना इतना नहीं लगाना है, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा सा आपको इस क्रीम को लेना है और पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है? मसाज करना है, फिर इसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएं अच्छा, ताकि आपका जो ड्राइनेस है स्किन का वो चला जाए, क्योंकि ड्राई स्किन के साथ सोना इज वेरी डिफिकल्ट। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। जी हाँ, कोई भी क्रीम के साथ प्रिकॉशंस जरूर लेना चाहिए, ठीक है? तो इसका फर्स्ट प्रिकॉशन ये है कि प्लीज अवॉइड सन रेज, अवॉइड यूवी रेज। ऐसा मैं कह रही हूँ, प्लीज अवॉइड यूवी रेज, क्योंकि हो सकता है आपके स्किन के लिए हार्मफुल हो, ठीक है?
और इसको यू नो रात में लगाए, दिन में नहीं लगाए, ये नाइट क्रीम ही आप रात में ही लगाए, दिन में नहीं लगाए, ठीक है, रात में बेड में जाने के पहले लगाए इसको, ठीक है। और जिनका ऑयली स्किन है, जिनका सेंसिटिव स्किन है, जिनको कोई भी प्रोडक्ट लगाने से बहुत ज्यादा यू नो उनके स्किन पे वो असर, उनके स्किन पे वो रिएक्ट कर जाता है, तो अगर आपको ऑयली स्किन है, आपका सेंसिटिव स्किन है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। जी हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि चेहरे तक आप पहले लगाइए ही नहीं, पहले आप पैच टेस्ट कर लीजिए। जी हाँ, अपने नेक एरिया पे लगाकर देख लीजिए कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे यू नो स्किन पे कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तब इस प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि स्किन के साथ नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते हम कुछ भी रिएक्शन, ठीक है। तो तभी इस प्रोडक्ट को यूज करें, ठीक है। हो सकता है स्किन में आपके रैशेज आने लगे, जिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है, हो सकता है आपके स्किन में रैशेज आने, स्किन पतली हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं, इवन पिंपल्स भी हो सकते हैं, तो प्लीज पहले पैच टेस्ट कर लें। तो अब आते हैं मुद्दे पर, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका सबसे जरूरी बात तो यही जानना है ना कि ये क्रीम काम करती है कि नहीं। जी हाँ, तो अब आते हैं मुद्दे पर कि क्या ये क्रीम काम करती है, क्या इस क्रीम के जो भी यू नो अभी हमने जो भी इसके बारे में पढ़ा, जो भी इसके क्लेम्स है, क्या वो सारे क्लेम सच है, क्या सच में ये क्रीम काम करती है। तो हाँ, ये क्रीम काम करती है, आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। जी हाँ, एक वीक के अंदर अंदर आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। जी हाँ, रेगुलर यूज पे अगर आप करेंगे तो आपको एक वीक के अंदर अंदर इसका इफेक्ट दिखेगा, 3 वीक्स में आपको पूरा इफेक्ट दिखने लगेगा। हाँ, और मैं प्रेफर करूंगी ज्यादा लंबे समय तक इस क्रीम को यूज नहीं करें, ठीक है। एक बार आपका काम हो जाए तो प्लीज स्टॉप यूजिंग इट, ठीक है। एक डब्बा आई गेस यू नो इनफ है, एक डब्बा आप यूज करें, एक डब्बा में बहुत ज्यादा रहता है, और आपको इतना सही क्रीम लगाना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल यू नो आप लगाते नहीं जाए, क्योंकि जितना मतलब हर चीज का एक लिमिट होता है, ठीक है। तो आप एक डब्बा यूज करें, एक डब्बा ठीक है, पर हाँ अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा आपके चेहरे पर तभी यूज करें। इसलिए पहले यहाँ पर लगा के देख लें, कुछ रिएक्शन नहीं है तभी चेहरे तक जाए। जो भी मैंने वीडियो में बताया सब कुछ अच्छे से सुने, सब कुछ इसी तरह से करें, तो आई होप कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपका यू नो सेंसिटिव स्किन है बहुत ज्यादा, तभी चांसेस है रिएक्शन के, ठीक है। तो बस यही था मेरा रिव्यू गोरी क्रीम के ऊपर। मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इस क्रीम के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि मार्केट में मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी इसकी फैली हुई अफवाह कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो जी हाँ, अगर आप सही से यूज नहीं करेंगे तो साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर मैंने जैसे बताया आप वैसे यूज नहीं करेंगे, अगर आप सही मेजर्स नहीं लेंगे तो हो सकता है साइड इफेक्ट हो। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है बहुत ज्यादा, तो आपको तो ज्यादा चांसेस है साइड इफेक्ट के। तो प्लीज आप कोई भी प्रोडक्ट, सिर्फ यही क्रीम नहीं, कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ ले, या फिर जिनको भी अपने स्किन को लेकर थोड़ी ज्यादा चिंता रहती है कि मेरे स्किन पे चीजें तुरंत रिएक्ट हो जाती है, तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, फिर ही जाकर कोई प्रोडक्ट ले, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ ले ले ऐसा नहीं, पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले, तभी कोई प्रोडक्ट ले, ठीक है। और अगर आपका स्किन यू नो ऐसा नहीं है, हर चीज में फिट हो जाता है, तो आप यू नो नॉर्मल रिव्यू देखकर भी ले सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। पर अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो बस यही था मेरा रिव्यू गोरी क्रीम के ऊपर। मुझे लगा जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऑनेस्टली आपको सब्सक्राइब करने में एक मिनट भी नहीं लगता है, पर आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है।